जंगल से एक तेंदुआ निकला, फिर हमको सूचना मिला, मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। मैंने तेंदुआ को बचाव के है जो बचाव के लिए कि कहीं जो है ग्रामीणों द्वारा इसको चोट जो न पहुँचाया जाए, तो ग्रामीणों को मैंने हटाना चालू किया। तब ये मेरा उसने जो है पूरा ये जो वर्दी पहने थे तो ये पंजा जो है मतलब पंजा इस पर मारा और दांत से जो ये जो दबाना चाहा, लेकिन ये थोड़ा हम ऊँचे थे मतलब कामयाब जो नहीं हुआ जो है घायल करने में हमको। मेरा नाम पवन कुमार शुक्ला, मैं बंदरोगा के पद पर काम कर रहा हूँ कतनिया घाट रेंज में। 2020 में हम यहाँ तैनात हुए हैं। कतनिया घाट जो रेंज में एक बरसड़िया बीट है जो तेंदुआ प्रभावित क्षेत्र है। 2006 की घटना है, हम वहाँ तैनात थे तो सुबह 7 बजे जंगल से सटा हुआ एक गांव आनंद नगर है, आनंद नगर बरसड़िया जंगल से बिल्कुल मिला हुआ गांव है। वो जंगल से एक तेंदुआ निकला जिसकी उम्र लगभग 2-2.5 वर्ष, हाँ 2.5-3 साल का था जो है वो तेंदुआ, बिल्कुल यंग था। तो वो निकला तो गांव वाले ने उसको जो घेर घार कर जो है मतलब घेर कर रखे थे। तो मैं पहुंचा वहां पर तो देखा कि हाँ तेंदुआ को जो है गांव वालों ने जो है घेर कर रखा है। मैंने तेंदुआ को बचाव के है जो बचाव के लिए कि कहीं जो है ग्रामीणों द्वारा इसको चोट जो न पहुंचाया जाए, तो ग्रामीणों को मैंने जो है इधर उधर हटाना चालू किया कि तेंदुआ हमारा जो है मतलब जंगल की तरफ भाग जाए, बच जाए वो। इससे पहले वो जो है तेंदुआ ने हम जो हमारे ऊपर जो है हमला करके मुझे घायल कर दिया। मेरा पैर जो है ये जो है पूरा अपने जबड़े में भर लिया। फिर जो है गांव वालों ने जो है फिर वाचर मेरा साथ में था तो उसने मुझे जो है छुड़ाया, फिर तेंदुआ मुझे छोड़ दिया लेकिन पूरा पैर मेरा घायल कर दिया। अप्रैल 2020 की घटना फिर दोबारा हमारे साथ घटी। सुजौली ग्राम सभा का एक गांव भैंसा बोलना है, वहाँ फिर जो तेंदुआ ने जंगल से निकला गांव वालों ने जो घेर घार कर उसको जो है गन्ने में वो बैठ कर जो है छिप गया। फिर हमको सूचना मिली, फिर हम पहुँचे, फिर अपने अधिकारियों को सूचना दिए, रेंजर साहब को भी बताए, SDO साहब को बताए, DFO साहब को भी बताए, फिर जो है पूरा स्टाफ मैं सब साथ में पहुँचे वहाँ तो एक गन्ने में जो है तेंदुआ छिप कर बैठा था। ग्रामीणों ने उसको भी जो है कुछ चोटें पहुँचाई भी थी जो है लाठी डंडा से कुछ जो है ग्रामीणों द्वारा वो मारा भी गया था। जो तब तक हम पहुँच गए तो वो तेंदुआ एक गन्ना जो छोटे छोटे गन्ना लगे थे उसमें छिप करके बैठ गया। फिर हमारे जो साहब लोग भी आए तो ये हुआ कि हाँ जो लाओ तेंदुआ को जो है रेक्सुक कर लिया जाए। हम खेत के चारों तरफ मतलब घूम रहे थे, ग्रामीणों को जो है अगल बगल जो है हटा रहे थे कि हाँ उसमें कोई जाए ना, कोई घटना दोबारा फिर न घट जाए जो है ग्रामीणों के साथ में। फिर उसी गन्ना से वो एकाएक निकल कर मुझे फिर जो है झपटा मारा। तब ये मेरा उसने जो है पूरा ये जो वर्दी पहने थे तो ये पंजा जो है मतलब पंजा इस पर मारा और दांत से जो है ये जो दबाना चाहा, लेकिन ये थोड़ा हम ऊँचे थे और वो मतलब कामयाब जो नहीं हुआ जो है घायल करने में हमको। खाली ये उसने हमको जो है पंजा से ये जो है नोचा हमको, ये पंजा से और ये पैर घायल कर दिया मुझको। फिर मैंने दवा ववा कराया तो हम घायल हो गए, हम ठीक हो गए, हमारा जो है दवा हो जाएगा। वन्यजीव के कौन जो डॉक्टर, कोई डॉक्टर जो है जंगल में जो है जल्दी जो है नहीं मिलेंगे उनको, तो इसलिए जो है एक एक जानवर जो है बचाने के लिए बहुत कुछ जो है मौके पर देखना पड़ता है। अपनी जो जान को हम लोग अपना जो है नहीं परवाह करते हैं, हमारा जानवर बच जाए, हम मर जाएं वो ठीक है, हम जो हम घायल हो जाएं वो ठीक है, लेकिन मेरा जानवर जो सुरक्षित है तो हम सुरक्षित पहले हैं, समझ लीजिए। हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं, हमारा जो है जंगल भी सुरक्षित है। जंगल ने 2-2 बार तेंदुआ हमारे ऊपर हमला कर दिया, मगर हमको जंगल से और वन जीवों से प्यार है, उनसे मोहब्बत है, इसलिए मैं जो है जंगल की नौकरी करूंगा, इसको छोड़ मैं नहीं सकता हूं।